गुड मॉर्निंग, आज है डे 6 और मैं आपको बाइक के बारे में कुछ कुछ दिखाऊंगा, कुछ कुछ बताऊंगा और चेक भी करते हैं पेट्रोल कितना बचा है, क्योंकि मैं जो फ्यूल एफिशिएंसी सोच के गया था वो आपसे डिस्कस करता हूँ कि कैसा फ्यूल एफिशिएंसी दिया है बाइक। तो पहले तो आपको बाइक की कंडीशन दिखा देता हूँ, काफ़ी गंदी हो गई है बाइक काफ़ी गंदी हो गई है, लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कम गंदी हुई है, क्योंकि यहाँ पर से निकलते टाइम तो बारिश थी बट वहाँ पर एक बार भी बारिश नहीं हुई, जो कि एक तरफ से अच्छी बात भी है। ये थोड़ा सा साइलेंसर में थोड़ा सा जो मैंने रोप से बांधा था वो थोड़ा सा इसमें लग गया है, बट कोई नहीं, उसे हम साफ़ कर देंगे। तो इस गाड़ी में मीटर अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि कुछ वायरिंग इशू हो गया है, जिससे वजह से मीटर अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो बैटरी जो है वो उसका चार्जिंग जो है वो खत्म हो जा रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली या तो वायरिंग का दिक्कत होगा या तो मीटर का, बट शोरूम वाले बोल रहे हैं मीटर का दिक्कत है, तो उसका भी कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। और जैसे मैं आपको दिखा रहा था, ये देखो इसका ऑयल सील जो है ये पूरा कट गया है, दोनों सस्पेंशन का ऑयल सील कट गया है, जिस वजह से यहाँ पर ना ये जो सस्पेंशन ये टकरा जाए, ये देखो। और मुझे चेक करना है, मैं अभी तक चेक नहीं किया सस्पेंशन पिछला वाला कैसा सेटअप में है। तो ये मॉडरेट सेटअप में है, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग ना टूर पे जा रहे हैं और वेट कैरी कर रहे हैं बैग्स वगैरह, तो इसको सबसे स्टिफ सेटिंग पे रखें, क्योंकि ना ये ऐसे बाउंसी रोड में बहुत बाउंस होता है, तो उस वजह से बैलेंस जो है वो डिसबैलेंस हो सकती है बाइक। बाकी तो कोई इशू नहीं दिया, बाइक बहुत अच्छे से चल रही थी, थोड़ा वाइब्रेशन का इशू जो है वो तो है ही, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं इस बाइक में कैलकुलेट किया था कि मुझे जो ट्रिप है मेरा मुंबई टू पुणे और पुणे से रिटर्न आते टाइम लोनावला खंडाला होते हुए यहाँ तक आना, तो मैं सोचा था कैलकुलेट के हिसाब से ऑलमोस्ट 17 लीटर्स के आसपास इसमें फ्यूल लग जाएगा, ये मेरा कैलकुलेशन था। लेकिन मैंने फ्यूल डलाया था 14 लीटर्स, और क्योंकि रास्ते में जब मैं चेक किया तो उसमें मोर देन इनफ फ्यूल था, और जब मैं यहाँ से निकल रहा था तो अराउंड 1.5-2 लीटर के आसपास था। तो मैं अभी तक चेक नहीं किया हूँ पुणे पहुँच के कि कितना फ्यूल बचा हुआ है, तो इसमें थोड़ा चेक करते हैं फ्यूल कितना बचा हुआ है। मैं इसको शेक करके देखता हूँ, तो दोस्त आप देख पा रहे होंगे इसमें अभी भी अराउंड 3-4 लीटर जो पेट्रोल है वो बचा होगा, पहले से इसमें लगभग 1 या 2 लीटर के अराउंड था इसमें, और अभी उससे ज़्यादा ही है। तो बाइक ने माइलेज तो बहुत ही तगड़ा माइलेज दिया है बाइक ने, मुझे लगता है अराउंड 45 का माइलेज दिया, जो कि मोर देन आई एक्सपेक्टेड। तो ये था इसका रिव्यू, बाकी ट्रूली भले ही आप हेट करो कुछ भी करो, मैं दोबारा थंडरबर्ड मतलब क्लासिक की ये सबसे कभी भी लॉन्ग टूर नहीं करने वाला, क्योंकि मेरा शुरू से आदत था मैं थोड़े लाइट बाइक पे ट्रैवल करता हूँ, जैसे R15 Duke 200 और अभी मेरे पास RC 390 भी है। तो ये सब बाइक में अराउंड ऐसे हाईवेज में 110-120 के स्पीड पे भी मैं चलता हूँ, लेकिन उस वजह से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लग रहा था इसमें। और एक चीज़ और है, जो वेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, जो राइडिंग एक ट्रायंगल होता है, जो अर्गोनॉमिक्स होती है बाइक की, तो उस बाइक्स में ना क्या होता है, थोड़ा बहुत वेट पैर पे पड़ता है, थोड़ा वेट बम पे रहता है, और थोड़ा बहुत वेट जो है हैंडल बार पे पड़ता है हमारे हाथों पे, तो वेट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट इससे कि जो थोड़े बहुत क्रूजर बाइक्स होते हैं ना, इसमें पैर पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ता है, हाथ पे प्रेशर नहीं पड़ता है, तो जो पूरा प्रेशर है ना वो आपके बम पे पड़ता है, और बम की ना हालत ख़राब हो जाती है। लिटरली 2 घंटे भी मैं इसमें बैठ के मेरा हालत ख़राब हो जाता, और बाकी उन बाइक्स पे उनका बाइक जबकि उनके जो सीट्स होते हैं बहुत स्टिफ होते हैं, फिर भी मैं उन पे इजीली 3-4 घंटे तक मेरे को ब्रेक नहीं लेना पड़ता था। तो ये थोड़ा डिफरेंस था जो मुझे लगा। थंडरबर्ड भी थी मेरे पास, लेकिन मैंने कभी उसमें ट्रैवल इतना लंबा नहीं किया था। तो ये था बाइक के बारे में, और अब चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों आज शाम को भैया के साथ वर्कआउट करके बड़ा मज़ा आया, और एक बहुत ना इम्पॉर्टेंट टिप मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो आप लोग शायद अंडर एस्टिमेट करते हो और शायद जो नहीं करते हो उनके लिए तो वेल एंड गुड है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है पता है, आप चाहे लॉन्ग राइड्स करते हो, कुछ भी आप काम करते हो, आपका फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जिन लोग सोचते हैं कि बाइक राइड भी कर रहे हैं ना, तो बाइक राइड में भी फिटनेस का बहुत बड़ा रोल है, आपकी बॉडी कितनी फिट है ना उतना ज़्यादा डिस्टेंस आप कवर कर पाओगे।
तो आप अपने फिटनेस को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। और जैसा भी शेड्यूल हो यार, बहुत बहाने सुने मैंने, जॉब ये वो, दुनिया भर के बिजनेस वगैरह, दुनिया भर के सारे सब मेरे जान पहचान के, बट उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अब टाइम निकाल के अपने दिन का आधा घंटा एक घंटा किसी भी तरीके के फिटनेस को देते, चाहे कोई स्पोर्ट खेलते हो, कोई जिम जाता हो, कुछ भी करते हो, स्विमिंग करते हो, बट दिन में एक घंटा एटलीस्ट आप अपने फिटनेस को दीजिए। और इससे आपका ही फ़ायदा होगा, हर दिन के काम आपको बहुत ईजी लगने लगेंगे, बॉडी एनर्जेटिक फील होगा, और आपका सेहत जितना अच्छा रहेगा उतना आपके आपके लिए, आपके परिवार के लिए और सबके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, स्टे फिट, कीप राइडिंग।